न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सराहना। कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ लघु व कुटीर उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के जरिए 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के खातों में 225.39 करोड़ रुपए की किए ट्रांसफर। सुनी रोजगार सेवकों की समस्याएं। कहा, 50 लाख मजदूरों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पहल। देश में बनने वाले 4 फार्मा पार्क में से एक पार्क बने उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री को लिख चुके हैं पत्र। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। मुंबई से गोरखपुर आए बेलीपार थाना क्षेत्र के 2 और लोगों में कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 से बढ़कर हुई 6। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित हुआ ऑनलाइन राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी। किसानों को सिंचाई, खाद, बीज सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। डीएम और एसएसपी ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में किया पैदल गश्त। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों तथा बिना ई पास के दुकान खोलने वालों पर की कार्रवाई, किया चालान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से मंगलवार को 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर लगभग 13,000 श्रमिक पहुंचे गोरखपुर। परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। सकुशल घर वापसी पर श्रमिकों ने योगी सरकार को दिया धन्यवाद। बेलघाट थाना क्षेत्र के एक गाँव के बागीचे में दिल्ली से आए युवक ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर किया गया गिरफ्तार, की जा रही विधिक कार्रवाई। डीएम और एसएसपी ने किया कसरवल स्थित बैरियर का निरीक्षण। बाहरी जनपदों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, राज्यों से बाहर फंसे हुए लोग करें ई पास के लिए आवेदन, आवश्यकता अनुसार जारी होगा ई पास। जिले में मंगलवार से शुरू हुआ यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का शुभारंभ। 6 केंद्रों पर 2,935 परीक्षक 25 मई तक 680,000 कॉपियों का करेंगे मूल्यांकन। सुचिता के लिए सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। जिला चिकित्सालय में मनाया गया विश्व नर्सेस दिवस। मुख्य अतिथि ने फ्लोरेंस नाइटेंगल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मौजूद स्टाफ नर्सों को नर्सेस डे पर दी शुभकामनाएं और बधाई। कोरोना महामारी को रोकने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी पोस्टर का जिलाधिकारी ने किया लोकार्पण। कहा, पोस्टर में दर्शाए गए निर्देशों का करें पालन, बचे वैश्विक महामारी कोरोना से। लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह ने बेलीपार थाना क्षेत्र में बने चेक पोस्टों का किया निरीक्षण। कहा, बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ की जाएगी वैधानिक कार्रवाई। और मंगलवार को भी महानगर में दिखी चहल पहल। एसपी सिटी ने लोगों से की अपील, निर्धारित समय के बाद अनावश्यक घरों से न निकले बाहर, पकड़े जाने पर की जाएगी वैधानिक कार्रवाई।